नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वनराज सुनील कुशवाहा और आप तो मुझे अच्छे जानते ही होंगे। दोस्तों, स्टूडेंट का ये कमेंट है कि सर आपके कुछ दिन से वीडियोस नहीं आ रहे हैं। ये मेरे लाइव वीडियोस, उनका ये था कि सर आप हमें एडवाइस करते रहें वनराज से कैसे बनना है। तो मेरा वो काम चल रहा है दोस्तों, मैं वो करता रहता हूँ। लेकिन इसी बीच 2-3 दिन पहले मेरे घर पर हमला हुआ और कम से कम 15 से 20 लोग, गुंडे लोग, जा रहा होते हुए हथियारबंद लेकर मेरे घर पर हमला किया। एक्चुअली उस टाइम मैं ड्यूटी पे था, मेरे भैया घर पे थे, अकेले थे, तो फिर उन्होंने ज़्यादा कुछ रोल कर नहीं पाया। वो लोग आए, हमारी बाउंड्री वाउंड्री तोड़ के चले गए। उसके बाद जब हम FIR कराने गए तो 2 बजे FIR कराने गए और रात में लगभग 11 बजे FIR करी। आप समझ सकते हो कि स्थिति कितनी गड़बड़ चल रही है। मतलब स्थिति ऐसी है कि जब हमारी सुनवाई नहीं है तो आपकी सुनवाई क्या होगी। फिर हमारे जब मेरे जो चाचा जी हैं, वो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, वो जब SP साहब से मिलने गए तो पूरा बाकायदा SP साहब ने आधा घंटा समथिंग बैठ के चर्चा की और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं SP साहब। मेरे पहले से परिचित रहे भी हैं और जब उन्होंने मेरे बारे में उनको बताया तो उन्होंने कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, हम हैं। तो उसके बाद में ये जो नॉनसेंस लोग हैं, जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, वो लोग का ये कहना है कि वो मुझ पर FIR कराने वाले हैं। किस पर? मुझ पर। तो चारों तरफ मेरे घूमते रहते हैं और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब वो लोग की प्लानिंग चल रही है कि मुझ पर FIR कराने के। लेकिन उनको ये नहीं पता कि कानून क्या होता है। क्यों? क्योंकि अनपढ़, अनविज्ञ और गंवार लोग हैं। उनको ये तो समझ में आता नहीं है कानून क्या है और मुझ पर कैसे FIR। उनको यही नहीं पता, उनको तो ये लगता है कि इस पर FIR करा दूँगा तो इसको सज़ा हो जाएगी फांसी की। ज़बरदस्ती लड़ने के लिए मतलब पीछे घूम रहे हैं मेरे। कभी मौका मिला तो हो सकता है मुझे वो नुकसान भी पहुँचाएं। लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी वो लोग हैं, उनको जल्द मतलब हमने उनके FIR करा दी है और जो भी शासकीय जो भी FIR के बाद में सज़ा होगी उनको मिलेगी। हमें पूर्ण भरोसा है मुझे इस मैटर पर कि प्रशासन हमारे साथ है, पूरा सरकार हमारे साथ है और न्याय करने वाले सभी लोग हमारे साथ हैं। अन्याय की तो कोई बात ही नहीं है, न्याय वाले जो भी हैं हमारे साथ हैं, क्योंकि हमने कभी अन्याय किया ही नहीं है। सोशल वर्क के साथ में हम अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य सच्चाई से निभाते हैं। बाकी ये जो लोग हैं, इनका इनका जीवन कुछ हो तो नहीं सकता है। गंवार लोग हैं, पढ़े लिखे करी नहीं है, दारू मुर्गा खा के जीते हैं। और आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इन लोगों ने कैसे ग्रुपबाजी करके कम से कम 10 से 15 लोग आए और अपने जो अंदर पेंट वेंट की, जब मैं ऐसा सुना है कि कट्टा वट्टा लेके आए थे 2 नंबर के हथियार। बाकी ये है कि मैं जो हूँ एक शेर हूँ, शेर, ठीक है, अकेले अपने आप में शेर हूँ। और शेर में उंगली करने की कोशिश मत करो, मेरा एक टेरिटोरियल है, मेरा एक एरिया होता है शेर का, आप समझ सकते हो। और इस एरिया में यदि आप जाओगे और उसके उसके प्रति आप उंगली करोगे तो फिर शेर छोड़ता नहीं है ना, या तो कुर्बान होता है या फिर कुर्बान कर देता है। तो फालतू में उंगली करने की आवश्यकता तो नहीं है। हम लोग शेर हैं, अपना काम करते हैं, रह रहे हैं घर। तुम लोग साला कवाड़ी लोग मेरे घर पे आके हमला कर दोगे, उनको क्या लगता है कि हमने ऐसे ही? समझ जाओ तुम लोग, ठीक है, समझ जाओ। तो साथियों, थोड़ा सा होता है, लेकिन जो इंसान होते हैं वो, जो तो आप कितना मजबूत हो, कितना आप स्ट्रांग हो, ये आपको जब भी समझ में आता है जब आपके साथ में ऐसा कुछ होता है। तो मुझे पता है कि इस दुनिया में हराने वाला तो हमें कोई है नहीं है, क्योंकि हम मेहनती और अच्छे इंसान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अरे भाई, हम तो तुमसे पहले ही आगे हैं एजुकेशन के मामले में, हर किसी के मामले में। तुम लोग क्या हमको पीछे करोगे? तो चिंता मत करो, कल से मेरी वीडियो रेगुलर आएंगी। और ये जो नॉनसेंस लोग हैं, नॉनसेंस इनोसेंस नहीं, इनोसेंस मतलब ये नॉनसेंस जो लोग हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला, ये जेल जाएंगे, ठीक है। तो साथियों, मस्त रहिए, खुश रहिए, बनी रहिए क्लास सोशल चैनल के साथ। वन रक्षक यदि आप बनना चाहते हो तो
मैं डे बाई डे एक टेस्ट अपलोड करता हूँ, वो आप देखो। बाकी मेरे कॉम्पिटेटिव तो मस्त रहो, कुछ रहो, ख्याल रखो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।